डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। इसमें कह रहा है, ए गार्डनर वांट्स टू फेंस ए सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। एक माली जो है अपने बगीचे को, उसका सर्कुलर बगीचा है, इस तरह से गोल बगीचा है, और उस बगीचे को घेरना चाहता है, रस्सी से घेरना चाहता है, और उसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर 21 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड टू परचेज्ड। तो फिर उसे कितनी लंबी रस्सी खरीदनी होगी, ठीक है, कितनी लंबी रस्सी खरीदनी होगी इफ़ ही मेक्स 2 राउंड ऑफ फेंस। जो सर्कल, जो उसका सर्कुलर बगीचा है, उसको 2 बार उसको राउंड करना है, 2 बार घेरना है, तो फिर कितनी लंबी रस्सी लगेगी। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप, और उस रस्सी की कीमत भी निकालना है, यदि इफ़ इट कॉस्ट ₹4 पर मीटर, 1 मीटर का कॉस्ट जो है, कीमत 4 रुपया है, तो फिर टोटल उसका रस्सी का कितना कीमत लगेगा, और पाई इक्वल टू 22/7 लेकर बनाना है। चलिए ये इन सबको मिटा देते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डायमीटर दिया हुआ है तो हमें आर निकालना पड़ेगा। हमारे पास डी डी इक्वल टू दिया हुआ है 21 मीटर, 21 मीटर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, 21/2 मीटर, ये हो गया। अब इस अनुसार से, क्योंकि फॉर्मूले में जो है आर चलता है, तो आर हमें पता चल गया। अब हम फॉर्मूला लेंगे, सबसे पहले सरकमफ्रेंस निकालेंगे, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ गार्डन, तो गार्डन सर्कुलर है, उसी हिसाब से 2πr, 2πr, ये हो गया। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं हम, इक्वल टू 2π के लिए 22 देते हैं, 22/7 मल्टीप्लाई आर हमारे पास है 21/2। अब कटता है जहाँ से वहाँ काट देते हैं, 7 3 जा 21 हो गया, 3 बार में कट गया, और इस 2 को और इस 2 को काट देते हैं, नीचे में कुछ भी बचा नहीं, 22 मल्टीप्लाई 3 बचा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 66 मीटर में दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर सरकमफ्रेंस में स्क्वायर नहीं होता है, ये एरिया नहीं है, तो एक आंसर सरकमफ्रेंस आंसर नहीं है, ये सरकमफ्रेंस आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि कितनी लंबी रस्सी की आवश्यकता पड़ेगा, तो हम यहाँ पे क्योंकि 2 राउंड ले रहा है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड रोप क्या हो जाएगा, 66, 2 राउंड उसको फेंस करना है, घेरना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 जा 12 हो गया, 12 और 6 2 जा 12 और 1 13 मीटर, इतने मीटर उसको रोप की आवश्यकता पड़ेगा, इतने लंबी रोप उसे चाहिए। अब उस रोप की कॉस्ट निकालना, तो यहाँ पे, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप इक्वल टू 4 रुपया है, तो कॉस्ट ऑफ कितना का निकालना हमें, कॉस्ट ऑफ 132 मीटर, 132 मीटर रोप इक्वल टू कितना रुपया हो जाएगा, तो 132 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 हो गया, और 4 3 जा 12, 2 1 बच गया, 4 1 जा 4 और 1 5 हो गया, 5 इतना रुपीज हो जाएगा, तो यहाँ पे हम रुपीज का सिंबल डाल देंगे, ये रुपीज। फाइनली हमारे पास 2 आंसर आ गया है,
एक रोप की लंबाई कितनी मांग रहा था, तो ये हो गया एक आंसर आपका 132 मीटर हो जाएगा, और दूसरा आंसर हो जाएगा 528 रुपीज़, दूसरा आंसर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।